जय हिंद साथियों, स्वागत है फिर से आपका नए वीडियो में। इस वीडियो में जो है हम बात करने जा रहे हैं ईस्टर्न रेलवे। ईस्टर्न रेलवे की तरफ से जो है रेलवे अप्रेंटिसशिप आई हुई है, तो जो है उसी की पूरी डिटेल में ये वीडियो रहने वाला है। कब से जो है फॉर्म फिल करे जाएंगे और जो है कौन कौन ट्रेड के लिए जो है वैकेंसी निकल के आई है, यानी कि बात करें कि लगभग 7 जो है डिवीजन उससे जो है वैकेंसी निकल के आई ईस्टर्न रेलवे के, तो जो है सारी डिटेल इस वीडियो में रहेगी। तो वीडियो जो है आप अंत तक देखिएगा। जैसे आपको पता है कि इस चैनल पे जो है ITI से रिलेटेड, रेलवे अप्रेंटिसशिप रिलेटेड हम सारी जानकारी देते हैं, तो एक बार आप ऐसा करिए कि आप चैनल पे विजिट करिए। विजिट करके आप वीडियो देखिएगा, वीडियो देखते हैं आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिएगा। आगे बात कर लेते हैं, यानी कि जो है एप्लीकेशन आज ही जो है ये निकल के आई है नोटिफिकेशन, और उसके बाद बात करें ये जो है डेट 27/9 यानी 27 सितंबर से ये फॉर्म फिल करना शुरू होगा और जो है 26 अक्टूबर तक आपका जो है फॉर्म फिल करा जाएगा। आगे बात कर लेते हैं कि इसमें जो है कौन कौन से यूनिट के निकल के आए हैं। तो सबसे पहले हावड़ा यूनिट डिवीजन जो है उसमें वैकेंसी निकल के आई है। टोटल वैकेंसी की बात करें, टोटल वैकेंसी जो है इसमें हैं 267 वैकेंसी हैं हावड़ा डिवीज़न में। आगे बात कर लेते हैं लिलुआ डिवीज़न जो है, लिलुआ डिवीज़न में भी वैकेंसी निकल के आई हैं। ये आप ट्रेड देख सकते हैं, ट्रेड कौन कौन सी ट्रेड की बात कर रहे हैं लिलुआ डिवीज़न में। पिटर मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर, पेंटर जनरल, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, आर ए सी के बाद बात करें टोटल जो है ये 249 वैकेंसी निकल के आई हैं। आगे बात कर लेते हैं सियालदा जो डिवीज़न है, सियालदा डिवीज़न में कौन कौन सी ट्रेड के लिए वैकेंसी निकली हैं, तो वो आपको बता देते हैं। इलेक्ट्रीशियन, फिटर और उसके बाद वेल्डर, वायरमैन, आरएसी, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, वेल्डर, मैकेनिक, फिटर, टोटल मिला के वैकेंसी 179 निकल के आई हैं वैकेंसी। आगे बात कर लेते हैं कंचनपारा में जो है वैकेंसी टोटल बात करें तो 76 वैकेंसी निकल के आई, ये आपको देख लेना है। आप जो है PDF इसको डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम में जाके, वहाँ से जो है आप नॉर्मली आप डाउनलोड कर सकते हैं। सौरभ ITI जो है आप डायरेक्ट सर्च करिए, नहीं तो जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर जो है क्लिक कर सकते हैं। आगे बात करें मालदा डिवीज़न की बात करें कि कौन कितनी वैकेंसी निकल के आई हैं। मालदा डिवीज़न में भी 57 वैकेंसी रहने वाली है मालदा में। आगे बात करें आसनसोल की बात करें, इसमें जो है फिटर, टर्नर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, डीजल 167 जो है वैकेंसी इसकी निकल के आई हैं आसनसोल में। ये सब होने के बाद जमालपुर में वैकेंसी निकल के आई हैं कितनी डिवीज़न में, ये भी आपको बता देते हैं। जमालपुर में निकल के आई हैं 268 वैकेंसी जमालपुर जो डिवीज़न है उसमें। आगे बात कर लेते हैं यानी कि एज रिलैक्सेशन कौन कौन से कैटेगरी में मिलेगा। जैसे बात करें एज की बात करें 15 साल से लेकर जो है 24 साल तक एज होगी तो जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो है SC की बात करें, SC और जो है ST के कैंडिडेट को जो है 5 साल के लिए छूट मिलेगी, और बात करें OBC कैंडिडेट के लिए जो है 3 साल के लिए छूट मिलेगी। जो एक्स सर्विस मैन होते हैं उनको जो है 10 साल के लिए छूट मिलेगी। इसमें जो है मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको बनवा लेना है जब आपकी ज्वाइनिंग होती है। इसमें जो है एवरेज मार्क की बात करें, आपकी ज्वाइनिंग कैसे होगी, मेरिट बेस पे आपकी ज्वाइनिंग होगी। 10th प्लस जो है ITI आपने नंबर जोड़ लेने हैं। टोटल नंबर जोड़ने के बाद आपको 2 से डिवाइड कर लेना है, जितना आता है वो जो है आपका जो है एवरेज मार्क होता है। आगे बात कर लेते हैं कि फॉर्म कैसे अप्लाई होगा। जैसे फॉर्म अप्लाई होना शुरू होगा तो हम आपको वीडियो बना के डाल देंगे, तो नॉर्मली आप उसको फिल कर सकते हैं। इसमें जो है एप्लीकेशन फ़ीस कितनी लगेगी, 100 रुपीज़ जो है आपकी एप्लीकेशन फ़ीस लगने वाली है। आगे बात कर लेते हैं कि इसमें बता ही दिया है कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड होंगे। जैसे बात करें आपकी जो है स्कैन फोटोग्राफ, सिग्नेचर और जो है 10th की मार्कशीट, ITI मार्कशीट, NCVT से आपने किया है
या जो है आपने SCVT से किया है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जो है कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें, SC ST OBC EWS के जो है कैंडिडेट इसमें यानी कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, स्कैन करेंगे। और उसके PWBD जो कैंडिडेट यानी कि कोई प्रॉब्लम हैंडीकैप होते हैं वो जो है अप्लाई करेंगे वो सर्टिफिकेट। ये सारी डिटेल होने के बाद आपकी पूरी डिटेल मैं बता ही चुका हूँ। ये PDF आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे वो भी आपको बता देते हैं हम। ये हमारा टेलीग्राम है, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लेना है, इसी में हम PDF डाल देंगे। तो जो है आप ज्वाइन कैसे करेंगे, SAURABH आप जो है चैनल यानी कि टेलीग्राम में जाके देख सकते हैं। तो जो है वहाँ पे सर्च कर सकते हैं, तो वहाँ से ज्वाइन करिए, नहीं तो जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर जो है क्लिक करके आप नॉर्मली ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ये जानकारी समझ में आई है तो ठीक है, चैनल पे जुड़ सकते हैं, अपने साथियों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।